सुनिए ना, एक भोसड़ी वाला आया था घर पर सुबह सुबह, मुझे बोलता है तुझे दबा कर पेलूंगा। कौन भोसड़ी वाला जो मेरी बीवी को ऐसा बोल रहा है? और तो और मुझे दो बार कॉल कर चुका है और बोलता है ऐसे लूंगा तेरी जीभ बाहर निकल जाएगी। मिला उस भोसड़ी वाले को फोन मिला। हाँ जी भाभी, तो तुम माल है एक बार। कौन है तू चूती? दबा के लूंगा, दे दे एक बार। भाग भोसड़ी के दिख मत जाइयो गांडू। अरे जाने मन, दे दे निकल जाए दिखियो मत। कौन है ये चूतिया? घर के सामने आके लेने की देने की बात कर रहा है? भोसड़ी वाला बहन चोद। कौन है ये? हेलो। अरे भाभी दे देना एक बार, दबा के लूंगा तेरी जीभ बाहर निकाल दूंगा, दे दे एक बार बस। चूतिया तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? और सुन भोसड़ी के, दोबारा फोन किया ना तेरी गांड फाड़ दूंगी, समझा? कौन है ये बहन चोद? मेरे पीछे ही पड़ गया हरामी। चूतिया का फिर से फोन आ गया, आज तो इसकी गांड फाड़ूंगी। बल चूतिया। अरे भाभी क्यों मना कर रही है, दे देना एक बार, मेरे हथियार की प्यास हो जाएगी, प्यार हो जाएगा तेरे को मेरे से, बस दे दे एक बार। सुन भोसड़ी वाले, अगर घर के आसपास दिखा और दोबारा मुझे कॉल किया तो तेरी गांड में डंडा कर दूंगी, रख चूतिया। भाभी तो कतई बुरा मान रही है। यार इसका तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत परेशान कर रहा है मुझे, मैं नहीं संभाल पाऊंगी ऐसे इसको, लगता है इनको बोलना ही पड़ेगा, गांड फाड़ रखी है इस हराम के बच्चे ने। सुनिए ना, एक भोसड़ी वाला आया था घर पर सुबह सुबह, मुझे बोलता है तुझे दबा कर पेलूंगा। कौन भोसड़ी वाला जो मेरी बीवी को ऐसा बोल रहा है? और तो और मुझे दो बार कॉल कर चुका है और बोलता है ऐसे लूंगा तेरी जीभ बाहर निकल जाएगी। अच्छा, मिला उस भोसड़ी वाले को फोन, मिला मेरी बीवी की जीभ निकला है, साले की गांड फाड़ दूंगा। मिला लोडू को फोन। हाँ कॉल कर और बुला भोसड़ी वाले को। और हाँ मीठी मीठी बातें करना। अरे भाभी का फोन। हेलो। हेलो भाभी। हाँ सुनो ना, तुम घर पर आ जाओ, मैं अकेली हूँ। हाँ भाभी पर देख लो, पलंग तोड़ करके ठुकाई करूंगा, ठीक है? और अलग अलग पोजीशन में वो भी। कोई बात नहीं, तुम जैसे बोलोगी, जिस पोजीशन में बोलोगे उसी पोजीशन में दूंगी। अच्छा ठीक है, घर पे तो कोई है नहीं? कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं अभी आया बस। ठीक है बाय। क्या बात है, आज भाभी का मन कैसे पिघल गया। चलो आने दे उस लोड़ू को, अब दिखाऊंगा कौन किसकी जीभ बाहर करता है, साला नाच जाएगा भोसड़ी वाला। अरे आप आ गए। अरे जाने मन, आप बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो ही सकता मेरी जान। आइए ना। क्या बात है जाने मन, लाल साड़ी में तो बड़ी पटोला लग रही हो, तो कहाँ है पलंग, चले चौदम पट्टी करने। ऐसी लूंगा ना जीप बाहर आ जाएगी, टांग उठा उठा के लूंगा। भोसड़ी के, तुझे पूरी दुनिया में मैं ही एक सुंदर लड़की दिखी, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है? माँ बेटी है मेरे घर में, माँ है, बेटी है, बहन है, और हाँ मेरी एक बहुत प्यारी सी और खूबसूरत बीवी भी है, और जिस बीवी को तेरा बहन का लौड़ा पति भोसड़ी वाला डेली लाके चिट्ठी डालता है, और उसमें ये लिखता है कि मैं ऐसे लूंगा टांग उठाकर, ऐसे लूंगा कि जीभ बाहर आ जाएगी, चौदम पट्टी करते हैं, समझाओ उस भोसड़ी वाले पति को। भाभी आप तो दिखने में मस्त हो, आपकी तो लेने में मजा आएगा, उठा उठा के लूंगा आपकी। बहन चोद इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की, मुझे इन्हें बताना ही पड़ेगा,
अबे ओ गांडू, क्या बकचोदी कर रहा है बे? बकचोदी नहीं, सही बोल रहा हूँ। वो गांडू तेरा पति डेली मेरी बीवी को आके ना लव लेटर डालता है। भोसड़ी वाले को तो मैं बताऊंगी। वो तो अच्छा है कि मेरी बीवी मेरी लॉयल है और मुझे डेली सब चीजें बताती है। परेशान हो चुकी है यार वो। भोसड़ी वाला तेरा पति सुधरता ही नहीं है, डेली आता है मेरे घर पे। अगर तेरी ये बात सच नहीं निकली ना तो तेरी गांड तो यही फाड़ूंगी। अरे मार लियो, जा पहले पूछ वो गांडू भोसड़ी के। भोसड़ी के क्या बोल रहा था? मैं इतनी सुंदर हूँ, हाँ, मेरे लेने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा? दूसरे की बीवी के मैं लॉयल मारता है? साले खड़ा हो, बैठ के रहे, उठ साले, उठ उठ। क्या बोल रहा था? उठा कर लूंगा, हाँ, क्या जीभ निकल जाएगा? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, शर्म